Uh, सर सबसे पहले आईएमएफ क्या आपको लगता था कि वाकई में हो जाएगा आईएमएफ का लोन मिल जाएगा क्योंकि तो तो बहुत लोग मायूस भी हो हो गए थे देखिए जी पहली बात आपको बधाई आपने नया सूट डाला हुआ है आज आज सुना कि आपके घर <laughs> में दावत भी थी तो आई का लोन जैसे ही आपको देखो अप्रूव <laughs> हुआ है नए नए कपड़े आने शुरू हो गए हैं दावतें शुरू हो गई है और सुना है कि इवन आपकी जो सड़कें हैं उसके ऊपर भंगड़े भुंगड़े भी डाले जा रहे हैं ऐसा माहौल है क्या वहाँ पर नहीं नहीं सर मेरे घर में दावत नहीं थी मेरे घर में खाने का कुछ नहीं था तो मेरे भाई और भाभी खाना लेके मेरे घर आ गए थे तो मैंने कहा तुम लोग भी खा लो मैं भी खा लू मेरे घर तो कुछ इसी की दावत होती है जिसको आना अपना खाना फाट ले और मुझे भी खिला दो तो ये हुआ था सर हाँ मैं सोच रहा तो मुझे लगा कि जैसे लोन की अभी अप्रूवल हुई है आपको आपको याद होगा कि लास्ट टाइम जब हमारी बात हो रही थी आप ही चैनल पे हो रही थी या रोहित के साथ हो रही थी तो वी वर टॉकिंग अबाउट कि आपने बोला कि सर मोदी जी से बात कर लो और हमें दो तीन बिलियन डॉलर दिला दो आपको याद होगा तो आपकी जब सारी उम्मीदें खत्म होगी तो मुझे लगा कि आजू जी इतने ज्यादा मायूस बैठी है तो मैंने मोदी जी से बात करी

अच्छा आप आपको आपको आई एम एफ से भी चाहिए और मोदी जी से भी चाहिए जी सर अलग अलग हम तो दोनों को अलग अलग काउंट करते हैं ना लेकिन सर फिर भी आपको लग रहा था क्योंकि पाकिस्तान में बहुत से लोगों का ख्याल था कि शायद आईएमएफ नहीं देगा लेकिन फिर अचानक से हो गया अब इनका कहना ये है हमारे जो एक्सपर्ट है यानी एक्सपर्ट से मेरा मतलब है कि जो इकोनॉमिस्ट हैं और टीवी पर आते हैं उनका कहना है कि जी रोड मैप मिल गया है पाकिस्तान का अब रोड मैप मिल गया से क्या आपके ख्याल से क्या मुराद हो सकती है देखिए देखिए एक तो मोदी जी से जो मेरी बात हुई है वो कहते हैं मुझे इनके ना फाइनेंस मिनिस्टर से डर बड़ा लगता है मैं सर आप तो डरने वाले बंदे नहीं है इनको डर के लगता है कहते हैं उसके नाम भी डर है तो सर है वो, डर नहीं। है, सर डर डर हाँ, डर है है वो नहीं देखो अब ये पता नहीं बता वो, वो, वो इंग्लिश में तो डर ही लिखा होता है तो वो कहते हैं है, उसके डाबे डर है तो डरना तो चाहिए उसे और एज फार एज योर यू नो जो आपने बोला रोड मैप रोड मैप यही है कि अब कौन सी रोड बनाई जाए जिसमें हमने तीन बिलियन डॉलर खाना है और कोई भी रोड मैप आपके पास नहीं होता रोड मैप यही है कि जहां पर कोई सड़क बन ना पाई हो बन नहीं सकती हो वहां पर ये रोड अब डिक्लेयर कर देंगे उसमें से तीन बिलियन निकाल देंगे सो दिस इज द रोड मैप विच दे क्रिएट ऑलवेज और मुझे बड़ी हैरानी होती है आप यू you नो know, आपके जो हुक्मरान है मुझे उनसे इतनी हैरानी होती है कि सत्तर सालों से ऐसा चूरण बेचा है इन्होंने कि इतने रोड मैप बना दिए रोड एक भी नहीं है सारे मैप जो है वो रोड के जो मैप मैप्स के ऊपर रोड्स हैं एक्चुअल में कोई रोड नहीं है और सारे के सारे पैसे जेबों में गए हैं इनके और ऐसे तो नहीं नए नए सूट आ जाते हम तो खरीद नहीं पाते थे तो मैं तो अभी भी दस बार पांच छह साल पुराना सूट डाल रहा हूँ और आप देखो हर रोज नए सूट आ रहे हैं जब से आया पे लोड मिला है आपको अप्रूवल मिला है और आप देखिए हालांकि सर मेरा मेरा आईएमएफ के लोन से कोई लेना देना नहीं मैं तो उन लोगों में से जो टैक्स भरूंगी लेकिन सर वो सेल लगी हुई थी सर एक के साथ एक फ्री तो इसलिए मैं लेकर आ गई लेकिन सर मुझे ये बताइए कि एक चीज़ सर आई की जो मीटिंग हो रही है ठीक है पाकिस्तान भी शिरकत करेगा बाकी कंट्रीज भी आएंगी लेकिन पाकिस्तान की बात हम नहीं कर रहे हम वैसे बात कर रहे हैं कि सर उस इस मीटिंग की कितनी इम्पोर्टेंस है आपके ख्याल से इसमें क्या बात की जा सकती है और जिससे के बेनिफिट मिले उन कंट्रीज को जो शिरकत करेंगे देखिए एस मीटिंग एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है ये आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं और इसके अंदर अगर देखा जाए तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं जैसे इंडिया चाइना वो हैं बाकी तो ऐसे ही चलो है नहीं है एक ही बात है तो उसमें क्या होता है कि देखो जब भी कोई ऐसा फोरम होता है जिसमें मीटिंग्स होती हैं उसमें बात एक ही होती है कि हमने तरक्की कैसे करनी है और कोई भी मीटिंग में कोई मुद्दा और है ही नहीं चाइना भी आज की डेट में जो हालत आपने इनकी कर दी बेचारों की और मुझे, गिला भी मुझे पैसे नहीं देते हुए पैसे तो दे दो मेरा अपना घर भी चलाना है कहते है जी वो आपके दोस्त है पाकिस्तान वाले वो पैसे नहीं दे रहे वो देंगे तो हम आपको देंगे ये तो हालत है आपकी अब मैं गिला ना करूं आपसे क्या करूँ तो ये जो सारी मैसेजों की सॉरी बात करती हूँ पैसे अगर आप बात कर रहे हैं तो जो पैसे लगाए थे वो तो हमें तो ये बताया गया है कि वो वहां की जो प्राइवेट कंपनीज हैं चाइना की उनसे इन्वेस्ट है? हाँ, गारंटी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ चाइना ने लिया yes. है और प्रॉफिट भी होगा लेकिन सर उससे आपकी फीस का क्या लेना देना क्यों नहीं है मैडम वो जो पैसे है जो मेरी कंपनीज है उन्होंने भी तो उसी बैंकों से पैसे लिए से जिनकी गारंटी आपको दी हुई है वो उनको बैंकों के पैसे वापस आएंगे तो हमारे पास आएंगे तो ये पूरा सर्कल होता है आप नहीं समझोगे क्योंकि आपका तो सर्कल एक साइड का ही है ना कि आने या दो आने दो जाने का तो कोई मतलब ही नहीं सा, है सा, सा, चारे चारे, ने तो उस... ने तो तो ने ने दुनिया में बहुत सी कंट्रीज को दे रखा है हमें दे देने से सर आपकी फीस रुक गई है, ऐसा कैसे हो सकता है अरे क्या बात कर रहे हो बाकियों को तो कहीं किसी को 200 मिलियन 500 मिलियन एक बिलियन आपके तो पूरा भंडारा खोल के रखा हुआ है और आगे की भी पूरी तैयारी है फिफ्टी बिलियन का तो रेलवे का भी आपने उनसे चूना लगवाने का प्लान कर लिया सो वॉट इजनिंग जो एस सी ओ की मीटिंग है उसमें यही बात होगी कि भाई अब हम पाकिस्तान से कैसे बचाए अपने आप को और फिर क्या की थोड़ा डर भी है फाइनेंस मिनिस्टर के डर की बात नहीं कर रहा हूँ जो आपका प्राइम मिनिस्टर है उससे भी डर लगता है क्योंकि एक तो वो शरीफ बहुत है वो शराफत में कभी ना कोई को, पता नहीं क्या कर दे वहां पर आके शरीफ है इतने हैं वो पता लगे वो हम बात कर रहे हैं डेवलपमेंट की वो बोले यार ये तुमने कौन सा मुद्दा लेके बैठ गए हो वो फिर उसमें कोई कश्मीर वो तालिबान और जिहाद वो कुछ भी बात कर सकते हैं इसलिए मैं मोदी ने बोला भी मुझे कि यार आरजू से बात कर लेना शी इज वेरी क्लोज टू हेम शहबाज शरीफ उनसे पूछ लेना कि वो वहां पर क्या करने वाले हैं ये ना हो कि वहाँ पे कोई ऐसी वैसी हरकत हो जाए और हमें फिर

आ, आपके जो एक सीईओ थे किसी कंपनी के तो उनको ब्लॉक कर दिया उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में उनको टेररिस्ट टेर करने के लिए तो मोदी जी टेररिज्म की बात जरूर करेंगे कि आज अगर कोई प्रोटेक्ट कर रहा है इसको कल को उनके घर में भी आग लग सकती है और ये शायद दो में पाकिस्तान को बता दिया गया था कि दिस इज गोइंग टू बर्न यू और आज देखिए आपके वहां पर हर रोज कोई ना कोई मिलिट्री वाले के पुलिस वाले के डेथ्स की बात आती है ना you know? और या फिर आपके सिटीजन की बात वो तो आती है और हाथ हर... बॉर्डर पे की की बात बात कर रहे हैं सर वो तो पर देखिये टी टीटी पी <coughs> टी -टी है या कोई भी है बेसिकली तो आपने ये पाले तो हमारे लिए थे ना तो आज वो आपके गले पड़े हुए हैं सो मैं, मोदी जी वहां पर टेररिज्म की बात देखिए पाकिस्तान अगर वहां पहुंचा होगा और टेररिज्म की बात ना हो ऐसा हो नहीं सकता एक तो टेररिज्म की बात होगी दूसरा मोदी जी हमेशा बात करते हैं जो इस बार भी करेंगे कि आइए मिलकर बैठ के बात करते हैं और तरक्की की तरफ बात करें लेट्स फाइट अगेंस्ट पावर्टी देखिए गुर्बत दोनों जगह पर है अब तो बाकी पाकि, पाकिस्तान का ये हाल हो गया है कि जिसके सिर पे हाथ रखता है उसमें भी गुर्बत आनी शुरू हो जाती है अब चाइना वालों के भी यहाँ पे गुर्बत आ गई है तो तो वो बात करेंगे कि लेट्स मीट टुगेदर सभी इकट्ठे बैठे देखे कि हमने कैसे इस, इस देखो एक बात तो आपको माननी पड़ेगी कि, कि जब से यूक्रेन का वॉर शुरू हुआ है इट्स बिकम अ प्रॉब्लम फॉर द होल वर्ल्ड Hmm. और जो हमारे जैसे कंट्रीज हैं, जो जिसको हम डेवलपिंग कंट्रीज बोलते हैं हमारी कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गई है हमारी इनकम्स कम हो गई है हाउस की मैं कंट्रीज की बात नहीं कर रहा हूं हाउस हर घर की जो इनकम है वो कम हो रही है लेकिन हमारे एक्सपेंसिस बढ़ते जा रहे हैं सो ही इज गोइंग टू टॉक अबाउट दीज थिंग्स की हाउ टू फाइट दीज थिंग्स हाउ वी कैन वर्क टूगेदर आपकी जो अच्छाई है वो हम अपने कंट्री में अडोप्ट करते हैं हमारी जो सक्सेस की चीजें हैं वो आप अडोप्ट कीजिए लेट्स हेल्प ईच अदर सो ही इज गोइंग टू टॉक अबाउट दीज थिंग्स ओनली सर अगर हम इस रीजन की बात करें एस से हट के अगर हम इस रीजन की बात करें तो इस रीजन में जो इम्पोर्टेंट कंट्रीज हैं या जिनकी वजह से कई लोगों को सफर भी करना पड़ता है समटाइम उसमें अफगानिस्तान भी है तो सर अफगानिस्तान में जो कुछ होता रहा चले वो तो हम मानते हैं कि यहां से जो है वो ड्रोन जा रहे थे और जो कुछ हो रहा था लेकिन सर उसके बाद जब तालिबान की गवर्नमेंट आ गई उसके बाद भी एक टेंशन बनी हुई है अब ये नहीं है कि सिर्फ हमारे बॉर्डर पे ही अगर ये लड़ रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं टीटीपी वाले तो उससे बाकी की कंट्रीज चाहे वो इंडिया हो ईरान हो ये सब लोग ये नहीं कह सकते कि हम महफूज हैं चाहे वो चाइना ही क्यों ना हो तो सर कुछ आप समझते हैं कि अफगानिस्तान में या टीटीपी को और ये जो अफगान तालिबान है वो मैं तो खैर दोनों को एक ही समझती हूँ टीटीपी और तालिबान को सर इनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है ये तो तरह तरह की चीजें लाते जा रहे हैं ना अपनी कंट्री में देखिए आरजू जी टेररिस्ट टेररिस्ट होता है उसका किसी मजहब से मतलब नहीं है किसी कंट्री से मतलब नहीं है उसकी आइडियोलॉजी एक ही है कि मुझे मारना है जो उसको पैसे दे देगा वो दूसरे की तरफ वो उसको मारना शुरू कर देगा इंडिया इस चीज को बहुत अच्छी तरह से समझता है चाइना भी समझता है देखिए आपने उन्हें पा, सुबह बनाने की कोशिश करी 20 साल लगे रहे कि हमारा पांचवा बात, बात, बात करता है ये ठंडे रहेंगे हम भी सुखी से सुख से कुछ साल निकाल लेंगे बिकॉज देखिए टेररिस्ट का जो बेसिक फंडा, फंडामेंटल है वो लड़ाई है वो अगर किसी से और नहीं लड़ेंगे आपस में लड़ने शुरू कर देंगे तो ये चीज जो है जो आप कह रही है कि इट्स अ प्रॉब्लम फॉर एवरीबडी ऑफकोर्स ये सबके लिए प्रॉब्लम है और इसका हल कोई नहीं है बिकॉज उन्होंने अपनी गवर्नमेंट बना ली वहां पर अमेरिका इंटरेस्टेड नहीं है अब ये वॉर देखिए एक तो ये है कि अगेन वॉर अगेंस्ट टेरर शुरू किया जाए अब इतने पैसे किसी भी कंट्री के पास नहीं है कि दोबारा से वॉर पे जा सकते हैं तो इसलिए कहीं ना कहीं तालिबान को एक्सेप्ट करना पड़ेगा मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनकी गवर्नमेंट को एक्सेप्ट करो उनकी प्रेजेंस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा वो हम कर रहे हैं हम एक ही काम कर सकते हैं कि वहां पर डेवलपमेंट की बात कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं चाइना भी डेवलपमेंट की बात कर रहा है देर इज नथिंग एल्स वी कैन डू लेकिन सर सी पैक के अंदर तो ये भी बात की जा रही है कि ईरान को और अफगानिस्तान को भी शामिल किया जाए तो yes. आपको लगता है ये पॉसिबल है चले ईरान का तो किसी तक मैं समझ सकती हूं। लेकिन अफगानिस्तान में जिस तरह का माइंडसेट देखने में आया है क्या आपको लगता है कि आपको लगता ये कोई सही सही एडवाइस या सही, या, सही या, हमारी सोच होगी इनको शामिल करना सी पैक आप ही के चैनल पर सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि चाइनीज आर लुकिंग अल्टरनेट अल्टरनेट का मतलब है वो पाकिस्तान प्लस हुँ. किसी और कंट्री के थ्रू रूट निकालने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि आपके ऊपर भरोसा करना इम्पोसिबल है उनके लिए अब चाइनीज को चुना लग गया है अभी दोबारा भरोसा नहीं करेंगे इसीलिए ये क्या कर रहे हैं कि ऊपर जो है वहां से दे आर ट्राइंग टू तो हैव ऑल्टरनेट कि अफगानिस्तान से होकर ईरान चले जाएं अफगानिस्तान को कुछ नहीं चाहिए दे ओनली नीड की एक तो रेकोगेशन चाहिए उनको तालिबान को दूसरा उनको पैसे चाहिए तो चाइना अगर रिकोगशन नहीं भी देगा उनको रिकोगनाइज नहीं करेगा तो पैसे दे सकता है एंड तालिबान इस वक्त इतने ज्यादा पैसों के लिए यू नो ठोकरे खा रहे हैं कि उन्हें कुछ भी मिलेगा तिनका, तिनके का सहारा तो चाइना उन्हें वो प्रोवाइड कर सकता है और चाइना को भी सिक्योरिटी मिलेगी कि ईरान से जितना भी तेल जाना है कुछ भी करना है इजीली इट कैन गो तो वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक टेररिस्ट जो गवर्नमेंट है तालिबान की उनके ऊपर चाइना को फिर भी ज्यादा भरोसा है आपके ऊपर नहीं है क्योंकि आपसे चुना लग चुका है उनको लेकिन सर रिकोगनाइज तो कोई भी नहीं कर रहा है ना अफगानिस्तान को चाहे वो चाइना हो या कोई लेकिन सर एक चीज़ और है ईरान का ईरान और इंडिया की ये भी बात सुनने में आ रही है काफी टाइम से कि इंडिया कोशिश कर रहा है कि ईरान के ऊपर से जो सेंक्शन लगी हुई है वो हट जाए क्योंकि वो हट गई तो उसमें भी फिर इस रीजन का भी फायदा है और इंडिया का तो ऑब्वियसली है देखिए ही जी मुझे इतना पता है कि ईरान के ऊपर जो तो सेंक्शन हैं इंडिया हटाने की बात नहीं करेगा यस ईरान वांट्स इट लेकिन इंडिया नहीं करेगा जो मेरी अपनी समझ हाँ। है जियो के ऊपर हाँ। उसका रीजन है अगर हम ईरान के सपोर्ट करते हैं तो इसराइल हमारे अगेंस्ट हो जाता है हाँ। आप बात को समझिए उधर से सऊदी अरेबिया भी हमारे कहीं ना कहीं अगेंस्ट होना शुरू होगा इंडिया ये रिस्क नहीं ले सकता सो इंडिया इंडिया इज गोइंग टू डू सर सऊदी और ईरान की तो आपस में चाइना नहीं मिलवाया है दोनों को देखिए आज मिलवाया जरूर है लेकिन ये कितनी देर तक रह सकते हैं क्योंकि जो अब इनके देखिए जितनी इनके अंदर एक दूसरे के लिए जो नफरतें हैं वो इतनी जल्दी ख़त्म नहीं हो सकती आपको क्या लगता है ये नफरत सिर्फ एक दो दस, दस साल दस साल पंद्रह साल की है ये तो चौदह सौ साल से चल रही है ये इतनी जल्दी ख़त्म नहीं हो सकती इन्होंने कोशिश जरूर करी है लेकिन उसके अंदर फॉल्ट लाइन्स बहुत ज्यादा हैं इट विल नॉट बी वेरी वेरी इजी और एक छोटी सी चिंगारी तो चाहिए होती है एक किसी भी रिलेशन को खराब करने के लिए हम अपनी फैमिली में बात करें या कंट्री में करें या किसी दो कम्युनिटीज के अंदर बात करें छोटी चिंगारी चाहिए होती है तो मुझे नहीं लगता कि आ, इंडिया के फायदे में है कि इंडिया बात करे कि ईरान के ऊपर खत्म की जाए इंडिया के फायदे में क्या चीज है कि जैसे हम तेल रशिया से ले रहे हैं डिस्काउंटेड आज ईरान फंसा हुआ है हम ईरान से भी डिस्काउंटेड रेट के ऊपर तेल खरीदना शुरू कर दें इन इंडियन रुपीस वो पॉसिबल है उसकी बात चल भी रही है एंड आई थिंक दैट इज द कोर्स ऑफ एक्शन जो हम करने वाले हैं आगे और चाइना भी ईरान के साथ डिस्काउंटेड तेल की बात कर रहा है कि युआन के अंदर वो ट्रेड करेंगे वहां पर ताकि डॉलर को बाहर निकाला जाए एंड दीज टॉक्स आर हैपनिंग तो ये ईरान एक देखिए ईरान का फायदा क्या है कि उसके पास नेचुरल रिसोर्सेज है और सबसे बड़ा नेचुरल रिसोर्स तेल है उसके पास सो hmm. so उसके कारण उनकी इकोनॉमी इतने सालों से 79, hmm. 80 से उनके ऊपर सेंशन है लेकिन आज भी वो सरवाइव कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दीज रीजन और उनको सरवाइव कराने के लिए पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाल है थ है क्योंकि आपको तो डीजल 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 भी हमने सुना काफी बार कि वहां से डीजल आता था और वो गधों पे रख के लेके आते थे और यहाँ पे ब्लैक में बेचते हैं सो वी हैव हर्ड दो स्टोरीज आई डोंट नो इट इज ट्रू और नॉट लेकिन मैंने इमरान खान से सुना है डीजल डीजल करके तो आई प्रिज्यूम इट बी राइट ओनली तो आपने ईरान की इकोनॉमी के लिए बहुत कुछ किया है सर इमरान खान से जो डीजल आपने सुना है सर वो मौलाना फजल रहमान का नाम yes. मौलाना डीजल रखा हुआ है yes, लेकिन yes, सर yes, ये लेकिन सर फिर भी आपके ख्याल से अगर हम वो सऊदी अरब और ईरान के बीच में जो कुछ है उसको छोड़ दें अगर फिर भी आप समझते हैं कि अगर ईरान के ऊपर से सेंक्शन हटा दी जाए तो उससे काफी फायदा हो सकता है इस रीजन का आप खुद कह रहे हैं उनके पास काफी कुछ है ऑयल है पेट्रोल है सारा कुछ है तो उससे तो फायदा ही होगा तो इंडिया अगर कोशिश करें तो तो हट सकती है है आरजू जी सबसे बड़ा फायदा ये है कि यूक्रेन यूक्रेन का का वॉर वॉर रुक रुक जाए अगर रशिया तो फूड की, 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 की वो सारी खत्म हो जाएंगी तेल की प्राइसेस वैसे नीचे आ जाएंगी लेकिन उसको रुकवाने के लिए इंटरेस्ट किसका है इंडिया ने कितनी कोशिश करी कि यूक्रेन और रशिया का वॉर रुक जाए लेकिन जो वेस्टर्न फोर्सेस हैं या कोई और फोर्सेस हैं वो रुकना नहीं देना चाहती इसको ऐसे ही जो ईरान की चीज़ है इंडिया विल लाइक कि इनके ऊपर सेंक्शन ख़त्म हो बिकॉज बिकॉज पहले भी ईरान हमारा बहुत बड़ा पार्टनर था तेल के लिए लेकिन कई ऐसी फोर्सेज हैं जो ये चीज़ नहीं होना देना चाहती सो so, जियो में इट्स नॉट कि हमारा फ़ायदा कहाँ है नुकसान कहाँ है इसमें बहुत डायनामिक्स हैं और बहुत ज़्यादा प्लेयर्स हैं इस चीज़ में क्योंकि तेल जो है एक बहुत बड़ी रिसोर्स है और बहुत ज़्यादा लोग इसके अंदर इन्वॉल्व भी हैं उसके प्लस एंड माइनसेस के लिए कई लोग जाते हैं कि ये प्रॉब्लम्स खड़ी रहे ताकि तेल का रेट हायर रहे बिग गेम so, मुझे लगता नहीं है कि इंडिया कभी भी ये चीज करेगा एक तो इंडिया के फायदे की बात नहीं है सेकेंडली जो बाकी की फोर्सेज हैं वो ये नहीं होने देना चाहती बिल्कुल लेकिन फिर भी सर इस रीजन में तो आजकल यही कहा जाता है पहले खैर जब आ, कुछ साल पहले तक कहा जाता था कि आ, जो सुपर पावर एशिया में वो चाइना को बताया जाता था हमें कि जी चाइना बनने जा रहा है अब अब वो नाम बदलकर इंडिया का हो गया है लेकिन आ, आ, एज एन इंडियन नहीं आप मुझे एक आ, मतलब न्यूट्रल लोग आप मुझे बताइए कि क्या वाकई में अब ऐसा है कि चाइना जो है उसके कोई चांस नहीं रह गया है सुपर पावर एशिया की तरफ से बनने में या वाकई में अभी भी कोई चांस है आरसू जी एक कहावत है हमारे इंडिया में मुझे पता नहीं पाकिस्तान में है कि नहीं कि चढ़ते सूरज को सब सलाम करते है, और डूबते को, को और डूबते को, को पूछता भी नहीं है हुँ, हुँ. तो आज की डेट में अगर हम आ, इंडिया और चाइना को कंपेयर करें तो इंडिया एक चढ़ता हुआ सूरज की तरह है जो राइज कर रहा है हर फील्ड के अंदर चाइना ने बहुत तरक्की देखी है पिछले पंद्रह बीस तीस सालों में लेकिन आज की डेट में ये अपने पैरों पे भी खड़े नहीं हो पा रहे क्योंकि कई कंट्रीज़ हैं जिन्होंने लोन ले लिया चूना लगा दिया वापस नहीं कर रहे तो ये बेचारे खड़े नहीं हो पा रहे इस वक्त ये डग गए हुए हैं और जो कंसल्टेंट्स इनको सलाह भी देते थे उनकी फ़ीस भी नहीं आ रही उस चक्कर में तो क्या हो रहा है कि आप आप समझिए कि इनकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है कि ये पॉलिसीज बना रहे हैं इनको भी पूरा पूरा अपना स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ रहा है अपने आप को इस नई सिचुएशन में से बाहर निकालने के लिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये खड़े नहीं हो सकते मैं चाइनीज को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं बीस साल से मैं इनके साथ काम कर रहा हूँ बारह साल से मैं कंटिन्यूसली यहीं पर रह रहा हूं मैं इनको, इनके इनको एंड आई नो देर इनके अंदर जुनून है इनके अंदर एक नेशनलिज्म है इनके अंदर वो है कि हमने करके दिखाना है देखिए इनको जितनी भी चीजों के लिए रोका गया कभी भी हिस्ट्री में इन्होंने करके दिखाया अभी कमर्शियल प्लेन्स हैं मैंने एक वीडियो भी बनाया था अपने चैनल के ऊपर वही कमर्शियल प्लेन्स के लिए इनको रोका गया कि अपना ना बना लें ताकि बोइंग और एयरब्रग्स को टक्कर ना मिले इन्होंने बना दिया